नए संकल्प लेना, उन्हें पूरा करने और पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाना युवाओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। भाजपा युवा आकांक्षाओं और युवा सपनों को समझती है, ये इस बजट में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट को आगे बढ़ाया गया है, युवा इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर जितने भी प्रावधान इस बजट में किए गए हैं वो युवाओं को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैंने खेती में जिस ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहले चर्चा की, वो भी एग्री टेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देगा। डिफेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप्स हो या फिर डिजिटल करेंसी जैसे प्रावधानों से फिनटेक से जुड़े स्टार्टअप, ये युवाओं के लिए अनंत संभावनाएं बनाने वाले हैं। और स्टार्टअप की विशेषता है, स्टार्टअप जॉब क्रिएटर भी होते हैं। साथियों, युवाओं को शिक्षा और स्किल के बेहतर अवसर देने के लिए बीते सालों में टेक्नोलॉजी का दायरा निरंतर बढ़ाया गया है। इस बजट में इसको विस्तार देते हुए पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है। इससे गरीब के गरीब बच्चों को भी अपनी रोजी रोटी कमाते हुए भी अगर इस यूनिवर्सिटी से कोई छोटे मोटे कोर्सेज करने हैं तो वो आराम से कर लेगा और उसको क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध होगा। सरकार ने इस बार के बजट में स्पोर्ट्स को भी बहुत तवज्जो दी है और काफी वृद्धि की है। और हम ये न भूलें कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अधिकतम हमारे किसान के बच्चे ही आते हैं, किसान के परिवार की ही वो आन बान शाम बन रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान के बजट को भी बढ़ाया गया है। स्पोर्ट्स का बजट पिछले 7 सालों में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इसका भी लाभ हमारे युवा साथियों को होगा।